दोस्तों, जिंदगी की दौड़ भाग, अर्जेंसी इमरजेंसी, ये करना है, वो करना है, ये टारगेट पूरा करना है, ये असाइनमेंट पूरा करना है, ये काम पेंडिंग है, ये सब छोड़ करके आप कभी कभी अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने मन को सुकून देने के लिए ऐसी वादियों में आ जाइए जैसे हिमाचल प्रदेश में सोलन में हम बैठे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि अभी सुबह के 7, 7:30 बज रहे हैं, इट्स 7:15 इन द मॉर्निंग। मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे गया और मॉर्निंग वॉक पे देखा बिल्कुल पूरा सन्नाटा है, कुछ नहीं है, पक्षियों की आवाजें हैं और दूर दूर तक तो कुछ नहीं है। तो ये जो एक शांति है ना, एक आपके अंदर की शांति और ये किस एनवायरमेंट में शांति, तो ये आप उसको रिलेट कर सकते हैं। आपको अपने आप का अनुभव तभी होता है, यू डिस्कवर योर सेल्फ वेन यू आर अवे फ्रॉम ऑल योर द नॉइस फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। तो उस आसपास की जो जो हलचल है, जो एक हल्ला गुल्ला है, जो परेशानियां हैं, उससे दूर हुई है और इसी जगह पर आकर के सुकून भरी जिंदगी बिताई है। यहाँ बिताया हुआ एक पल, वो जिंदगी जो आप बिताते हैं ना लोगों के साथ में, इमरजेंसी में, एक्सीजेंसी में, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, उसके बाद में फिर रात को सोते हुए फिर अगले दिन क्या करना है, वो सारे टास्क, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे पल अपना बिताइए, इस पल में एक एक जिंदगियां हैं, हर एक पल में आप एक नया जीवन जीते हैं, उसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। उसको शब्दों में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप अनुभव कर सकते हैं। तो इसी जगह पर आकर के आपको वो चीज़ों का अनुभव होता है जो हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अपने आप को समय दीजिए, अपने परिवार के साथ में जाइए, वहाँ एक मौका मिलता है कि आप एक दूसरे को ठीक तरीके से जानें, अपने आप को जानें मोर देन यू नो ईच अदर। और अगर आपने अपने आप को जान लिया तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और फिर रिफ्रेश होकर के जाइए, फिर काम करिए, काम तो करना ही है अल्टीमेटली, अपने रूटीन मुंडेन वर्क में आपको जाना ही जाना है, वो सारी चीज़ें करना ही करना है। तो ये जो पीस है ना, ये जो शांति है आपके अंदर, शांति है आपका दिल, आपका मन जो है ना, वो भी इसी शांति की तलाश में है। आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लीजिए, बड़े बड़े बंगले ले लीजिए, आपको वो शांति नहीं मिलने वाली जो शांति आपको यहाँ मिलेगी, और उसको आप पैसे से तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो आप भी ऐसे ऐसे जो मनोहारी दृश्य हैं, ऐसी जगह हैं शांति वाली, वहाँ आकर के बैठिए। मन में जो उठने वाले जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए उनको, और फिर आपको ये अनुभव होने लगेगा कि मैं क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हैं वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये यात्रा हमारे साथ आप कर रहे होंगे कसौली की, और ये अनुभव जो मैं शेयर कर रहा हूँ शायद आप उस अनुभव को रिलेट कर पा रहे होंगे। और यदि कर पा रहे हैं तो जल्दी से उठाइए, अपना इंटरनेट उठाइए, साथ में लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर वो बढ़िया बुक कर डालिए, ऐसी जगह जहाँ पर आप हो, नेचर हो और केवल एक शांति हो जो आपको सुकून दे। थैंक यू सो मच।